परम शांति बाबूजी, बाबूजी मेरा एक सवाल है कि जैसे धरती पे मनुष्य ज्ञान ढूंढने के लिए एक संस्था से दूसरे संस्था, अलग एक गुरु से दूसरे गुरु, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म में वो जाती है, तो क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान की प्राप्ति के लिए या अपने अनुभव को मजबूत बनाने के लिए क्या वो सूक्ष्म जगत में भी अलग अलग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या अलग आश्रम, अलग संस्था, अलग धर्म में वहाँ पर वो सूक्ष्म जगत में भी ट्रैवल करती है? थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा गहराई से बताइए, क्या सूक्ष्म जगत में भी स्थूल जगत की तरह ही आत्माएं ज्ञान प्राप्ति के लिए जगह जगह भटकती है? परम शांति बाबू जी, एक और सवाल है कि आत्मा मृत्यु के बाद अपने दुखों को कम करने या दुख को ख़त्म करने, मान लो दुख तो बहुत सारे होते हैं, जैसे इस शरीर में शारीरिक दुख से तंग होकर जब मृत्यु होता है उसका, तो क्या वो उस दुख को कम करने के लिए सूक्ष्म जगत में आत्मा क्या करती है, उसे क्या ऑप्शन मिलते हैं, कहाँ वो जाती है, किस तरीके से सूक्ष्म वतन में वो अपने आप को रिचार्ज करती है? परम शांति, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद या कि मरने के बाद आत्माएं जो अच्छी आत्मा है, जो अपने जीवन के साकार जीवन में मनुष्य अवतार में भी ज्ञान के लिए अलग अलग संस्थाओं में जाती हैं और वो ज्ञान ढूंढती हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करती हैं, तो ऐसी आत्मा ही शरीर छोड़ने के बाद भी वही संस्था में, सूक्ष्म जगत में भी जो स्थूल जगत में जो संस्था है, वही सूक्ष्म जगत में संस्था है, वो उसी के पास जाती हैं। वहाँ सूक्ष्म जगत में भी ऐसी संस्थाओं में जाकर अपना ज्ञान बढ़ाती हैं, कभी इधर कभी इधर। सूक्ष्म जगत में बहुत देर जितनी मनुष्य जीवन में मतलब यहाँ संस्थाओं में गई हैं, इतना ही वो सूक्ष्म जगत में वो संस्थाओं में जाएगी, बल्कि इससे ज़्यादा भी जा सकती हैं, क्योंकि ऊपर में तो सूक्ष्म वतन में तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी आत्माएं सूक्ष्मों में भी ज्ञान ढूंढती रहती हैं, फिर सूक्ष्म जगत में रहकर भी दूसरों को ज्ञान देने का प्रसाद भी करती हैं, परमात्मा प्राप्ति का भी प्रसाद करती हैं। और जो नेगेटिव आत्मा है, जो नेगेटिव कर्म करती हैं, भूत प्रेत बनकर अपना विकर्म और बढ़ाती हैं, भूत प्रेत बनकर और भी विकर्म बनाती हैं, तो ऐसी आत्माओं जो अच्छी आत्मा है उनको हेल्पलाइन भी मिलती है, सूक्ष्म जगत में भी हेल्पलाइन मिलती है, जैसे यहाँ स्थूल जगत में भी जो रामायण महाभारत की कथा वार्ता जहाँ होती हैं, यहाँ ज्ञान के कुंभ होते हैं, वहाँ ज्ञान वाचन होता है, वहाँ जाती हैं आत्माएं, और ऐसी आत्माएं ज्ञान के ही लिए, इसलिए वो आत्मा फिर पुनर्जन्म में आने का इसकी इच्छा नहीं होती, वो चाहती है कि मुझे पुनर्जन्म में नहीं आना है, मतलब शरीर धारण नहीं करना है, जन्म नहीं लेना है, इसलिए वो बहुत काफ़ी काल तक वो, फिर वो ऐसी आत्माएं धीरे धीरे करके वो महालोक में चली जाती है, भूलोक से भूलोक में होकर वो स्वर्गलोक में ठहरती नहीं है, उनको ज्ञान हो जाता है कि स्वर्गलोक में मैं जाऊंगी तो फंस जाऊंगी, इसलिए इस बाईपास जो रास्ता होता है स्वर्गलोक से बाईपास ऊपर महालोक जाने का, महालोक लेती हैं, वहाँ तो उसको और अच्छा ज्ञान मिलता है, महालोक में बहुत बढ़िया ज्ञान मिलता है, फिर ऊपर जाने का ज्ञान मिलता है, तो महालोक से ऊपर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सतलोक, फिर ब्रह्मापुरी पट तक जाती हैं, फिर विष्णुपुरी तक जाती है, अगर विष्णुपुर विष्णु को मानने वाली आत्मा है तो विष्णुपुरी तक जाती हैं, और फिर इससे आगे शिव को मानने वाली हो तो शिवपुरी तक जाती है, और उसका लक्ष्य परमधाम तक जाने का है तो परमधाम तक जाती है। तो जैसे मनुष्य जीवन में भी आत्माओं को प्रसाद करना पड़ता है ज्ञान के पीछे, तो ऐसी तरह सूक्ष्म जगत में भी ज्ञान का प्रसाद होता है, मगर सूक्ष्म जगत में एक बार महालोक में आत्मा पहुंच जाती है तो उसको फिर आसान तरीके से ज्ञान मिलता है, सब कुछ आसान तरीके, महालोक से सब चीज आसान हो जाती है, यहाँ धरती पर सूक्ष्म जगत में रहकर जो ज्ञान लेना होता है तो उसको बहुत प्रसाद कर, क्योंकि नेगेटिव भूत प्रेत वाली आत्माएं भी ऐसी आत्माओं को बहुत तंग करती हैं, जहाँ जहाँ भी अच्छे, जहाँ ज्ञान कुंभ के मेले होते हैं, जैसे अच्छे अच्छे साधु संत 7 दिन की राम की कथा करते हैं, हनुमान की कथा करते हैं, भागवत गीता की गीता करते हैं, तो ऐसे
सूक्ष्म जगत के साथ साथ भूत प्रेत भी आ जाते हैं, तो उनका सूक्ष्म जगत में भी कोई ना कोई कर्म बंधन तो ऐसी आत्माओं से होता है जैसे मनुष्य से कर्म बंधन होता है। ऐसे सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं से भी कोई ना कोई पुराने, क्योंकि अनेकों जन्मों से वो जन्म मरण के चक्र में आई है, तो कर्म बंधन तो होता ही है, इसलिए वो भी योग बल से काटना पड़ता है, मतलब ज्ञान से काटती हैं। ज्ञान ये हो जाता है कि भाई मुझे उनसे साथ नहीं जाना है, उनके साथ संबंध नहीं रखना है, तो सूक्ष्म जगत में भी भूत प्रेत से ऐसी आत्माओं को निपटारा करना पड़ता है। तो ज्ञान के कुंभ तो सूक्ष्म जगत में मृत्यु लोक से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सूक्ष्म अवतरण में तो बहुत है। हेल्पलाइन भी मिलती है सूक्ष्म अवतरण में, अच्छी आत्माओं के लिए अच्छी हेल्पलाइन है। 200 किलोमीटर के ऊपर तो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे गोले हैं कि, और 500 किलोमीटर जाओ तो इनसे भी अच्छे हैं, 1000 किलोमीटर जाओ तो इनसे भी अच्छे हैं। तो आत्मा धीरे धीरे पुरुषार्थ करके ऊपर, कर्म बंधन काट के ऊपर के लोगों में जाती हैं, और फिर धीरे धीरे लक्ष्य ऊंचा है कि मुझे परमात्म प्राप्ति करना है, तो कहीं ना कहीं बेहद का परम ज्ञान भी उसको मिल जाता है। और बेहद का परम ज्ञान भी आज की तारीख में, पहले तो नहीं था मगर अभी बेहद का परम ज्ञान मिलेगा, तो अगर वो बेहद की आत्मा है तो पकड़ लेगी। देवी देवता वाली होगी तो भी वो देवी देवता वाली की ज्ञान पकड़ लेगी। ये सभी आत्माएं सूक्ष्म जगत में बहुत गहरा, सूक्ष्म जगत की बातें इतनी गहरी हैं कि बताना, सब कुछ सब बताना संभव नहीं है, उसके लिए शब्द नहीं है। परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.